हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ब्लीच करने का सही तरीका। ब्लीच को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ब्लीच कैसे की जाती है ये पूरा प्रोसेस आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही दोस्तों रिव्यू शेयर करूंगी ओलिविया ब्लीच का। मेरे पास एक नहीं बल्कि चार ओलिविया ब्लीच है। ये ट्रायल पैक है चार ओलिविया ब्लीच का, तो मैं इनमें से एक ब्लीच करने वाली हूँ क्योंकि चार ब्लीच मैं अकेले नहीं कर सकती एक ही टाइम पर। तो मैं एक ब्लीच आपको अपने फेस पे अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, साथ ही इन सारे ब्लीच का रिव्यू भी शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ब्लीच करते वक्त एक डर मन में रहता है कि ये ब्लीच कहीं हमारी स्किन को नुकसान ना दे। तो ब्लीच की पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो रिव्यू से शुरू करते हैं। और आपको बता दूं, मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया है, विदाउट मेकअप हूँ मैं और बहुत अच्छे से मैंने अपने फेस को क्लीन कर दिया है। और साथ ही पंखा भी बंद कर दिया है मैंने, जिससे मेरे फेस पे काफ़ी पसीना आ रहा है। बट कोई नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वीडियो पे नॉइज़ आए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं ओलिविया ब्लीच की। तो मैं ब्लीच के बारे में पहले आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी, साथ ही जो टिप्स हैं वो ब्लीच करते वक्त आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर ओलिविया की चार ब्लीच है मेरे पास। ये ओलिविया की हर्ब ब्लीच है, सबसे पहले जो सेंसिटिव स्किन के होती है, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, नींबू सहित होती है। इसमें साफ साफ लिखा गया है। एंड आपको बता दें, ये मैं ट्रायल पैक लेके आई हूँ। मैं जब भी ब्लीच खरीदती हूँ तो ट्रायल पैक ही लेती हूँ, क्योंकि बड़ा पैक लेने से क्या होता है कि हमें अंदाजा नहीं होता है कि हम कितनी क्रीम ले रहे हैं, कितना एक्टिवेटर ले रहे हैं। तो कभी कभी ज्यादा एक्टिवेटर लेने से हमारे फेस को नुकसान हो जाता है और क्रीम या एक्टिवेटर का सही मिश्रण हमें पता नहीं होता है, तब वो अच्छे से ब्लीच नहीं हो पाती। तो मेरी राय होगी ब्लीच लेते वक्त, टिप्स नंबर वन ही समझ लीजिए, राय ये होगी कि आप ट्रायल पैक ही खरीदें, एक बार यूज करें, फिर नेक्स्ट आप दूसरा ट्रायल पैक यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी जल्दी ब्लीच नहीं करता है। और हाँ दोस्तों, ये जो मैं आप क्रीम की ट्रायल पैक के बारे में बता रही हूँ, ये केवल 20 रुपए का आता है, यानी आपके पैसे की बचत भी हो जाती है ट्रायल पैक के साथ, क्योंकि एक एक फेस पर हो जाती है एक बार में ये ब्लीच। और ये जो ट्रायल पैक है, इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2 साल है एंड 20 रुपए का आया है। और आपको इसमें जो लिखा है मैं पढ़ के बता देती हूँ। सेंसिटिव त्वचा के लिए पहला कोमल ब्लीच है ये। हल्दी, चंदन, एलोवेरा, नींबू का यह संयोजन आपकी त्वचा को दिन ब दिन गोरा और खूबसूरत बनाया जाता है। आपकी त्वचा पर उगने वाले अनचाहे बालों का अंतिम हर्बल समाधान। चेहरे, भौं, शरीर के अनचाहे बाल फीके हो जाते हैं। हर 15 दिन पे उपयोग की सलाह है, यानी 15 दिन में आप इसे एक बार लगा सकते हैं। बट इसमें ऐसा दिया गया, पर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एज कम है, पहली बात तो अगर आप 17-18 साल तक की एज के हैं, उससे छोटे हैं, तो आपको ब्लीच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप 18 की एज के ऊपर हो गए हैं, 18 से लेकर 23 साल की जो एज होती है, उसमें आप साल में जब आपको बहुत ज़रूरत हो, ये शादी फंक्शन या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम है, तब आप ब्लीच कर सकते हैं। एंड 23 से लेकर 30 साल की जो एज होती है, उसमें आप साल में 1 से 2 बार ब्लीच कर सकते हैं। एंड उससे जो ज़्यादा क्रूम के होते हैं, वो साल में 2 से 3 या 3 से 4 बार ब्लीच कर सकते हैं। यानी हर एज के हिसाब से हमें ब्लीच करनी चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है और जितनी छोटी होती है ना, तो उस वक्त काफ़ी सॉफ्ट होती है, उसे ब्लीच वगैरह करके बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए। तो ब्लीच करते वक्त कुछ सावधानियां भी आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि आप ब्लीच करने से पहले गर्म पानी से अपने फेस को ना धुलें। हमेशा याद रखें, कोई भी ब्लीच कर रहे हैं, आप गर्म पानी यूज ना करें, ठंडे पानी का ही यूज करना है। एंड ब्लीच करने के बाद आपको साबुन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, जैसा कि इसमें भी मेंशन किया गया है। एंड इसमें मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो इसके अंदर जो हर्ब ब्लीच है, इसके अंदर आपको मिलता है क्रीम, ठीक है, और एक्टिवेटर, ठीक है। ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है और ये एक्टिवेटर है।
दोनों को आप एक बार में, कुछ लोग होते हैं कि 12 पैक को भी 2 बार यूज कर लेते हैं, बट मेरी राय होगी कि आप एक बार में ही इसे यूज करें तो इसका इफेक्ट आपके फेस पे ज़्यादा अच्छा होता है। एंड इसके साथ ये पन्ना मिलता है, पर्ची, तो इस पर्ची में आपको कई लैंग्वेज में मिल जाएगा इस ब्लीच के कैसे इसको यूज करना है, यूज करने का तरीका। तो ये हाफ ब्लीच था, ये जो ग्रीन कलर की आती है। और इसकी जो सेकेंड ब्लीच है वो है फ्रूट ब्लीच, जिसमें अमोनिया नहीं है, एंड ये भी 20 रुपीज़ की आती है और इसकी भी सेल्फ लाइफ 2 साल है। और ये जो इसकी क्वांटिटी है इन सारे पैकेट्स की, ये 20 रुपीज़ वाले में, ये है 7.5 ग्राम, ठीक है, और 6.5 ग्राम क्रीम आती है, एंड एक्टिवेटर 1 ग्राम का आपको मिलता है। एंड मैं इसे ओपन करके ये भी आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर भी आपको 2 पैकेट मिलेंगे, एक पुर्जी मिलेगी, पुर्जी, और ये होगी क्रीम, ठीक है, एंड इसके साथ एक्टिवेटर होगा। दोस्तों ब्लीच करते वक्त एक चीज़ और याद रखें कि ब्लीच अगर फेशियल के साथ कर रहे हैं तो आप जो जो फेशियल कर रहे हैं, जैसे आप गोल्ड फेशियल कर रहे हैं तो आपको गोल्ड ब्लीच ही चाहिए, फ्रूट कर रहे हैं तो फ्रूट ब्लीच चाहिए, ठीक है, जैसे आप फेशियल करेंगे उसी के हिसाब से ब्लीच करना चाहिए। तो ये होगी इसकी फ्रूट ब्लीच जो 20 रुपीज़ की आती है। मैं शॉर्टकट में आपको इसका जो रिव्यू है शेयर करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। एंड इसकी थर्ड ब्लीच आती है ओलिविया की शाइनर ब्लीच जो है विद डायमंड डस्ट। जी हाँ, ये है डायमंड ब्लीच, जैसा मैंने बताया कि डायमंड फेशियल के साथ डायमंड ब्लीच ही करना चाहिए। ये भी 20 रुपीज की आती है। और भी कंपनी के आप डायमंड ब्लीच लेते हो, गोल्ड ब्लीच लेते हो, ये फ्रूट सबका दाम अलग 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 होता है, लेकिन इसमें आप 12 पैक में लेंगे तो सबका दाम एक ही है। ये चीज मुझे अच्छी लगी। ये भी 7.5 ग्राम आती है और इसमें क्रीम है 5.5 ग्राम एंड एक्टिवेटर 1 ग्राम। एक इसके साथ एक और चीज़ है डायमंड बूस्टर 1 ग्राम, यानी इसमें क्रीम है 5.5 ग्राम, एक्टिवेटर 1 ग्राम और डायमंड बूस्टर है 1 ग्राम। तो उसे चलो ओपन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसमें इधर भी हमेशा डायमंड बूस्टर को क्रीम और एक्टिवेटर के मिश्रण में मिलाएं, जैसा इसमें मेंशन किया गया है। इसमें मैं सब में देख लेती हूँ ना, कभी कभी देख नहीं पाती। ये देखिए, इसमें आपको मिलेगा 1, 2, 3 पाउच। अभी तक जो मैं ब्लीच दिखा रही थी उसमें आपको 2 पाउच मिल रहे थे, अभी ये थ्री पाउच मिल रहे हैं। मैं भी ना बोलते बोलते मेरी जबान अटक जाती है। तो पहली मिल जाती है क्रीम, ये देख सकते हैं, एंड सेकेंड इसका मिल जाता है एक्टिवेटर, ठीक है, और थर्ड इसमें मिल रहा है डायमंड बूस्टर, ये देखिए, एंड इसके साथ पुर्जी इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। एंड इसकी लास्ट जो मैं ब्लीच आपको दिखा रही हूँ ये है ओलिविया की गोल्ड ब्लीच विद सेफ्रॉन, ठीक है, एंड इसमें भी लिखा है हमेशा ब्लीच बूस्टर को क्रीम और एक्टिवेटर के मिश्रण में मिलाए, यानी इसमें भी होने वाले हैं 3 पाउच। तो चलो इसे ओपन करते हैं। नो एडेड अमोनिया, एंड ये भी 20 रुपीज़ की आती है और इसका क्वांटिटी है वो है 7.5 ग्राम, क्रीम है 5.5 ग्राम, एक्टिवेटर है 1 ग्राम एंड ब्लीच बूस्टर है 1 ग्राम, ठीक है, एंड सेल्फ लाइफ 2 साल। तो इसे मैं ओपन करती हूँ, टेंटन, इसके अंदर भी हमें 3 पाउच मिल रहे हैं। पहली होगी क्रीम, दूसरी होगी एक्टिवेटर एंड तीसरी है ओलिविया ब्लीच बूस्टर, ठीक है, ओके, विद स्वर्ण भस्म, ओके, इसमें है सोने की भस्म। तो मैंने आपको इन चारों ब्लीच के बारे में बता दिया और मेरे पास काफी पैकेट्स भी खुल गए हैं, तो आप बताओ मैं कौन सी ब्लीच करूं। तो एक्चुअली बात, कोई पार्टी वगैरह मुझे जानी नहीं है, आपको पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है, सारी पार्टी वगैरह सब खत्म है, तो ऐसा जाना नहीं है, तो मैं ये नॉर्मल वाली करूँगी, ये ग्रीन वाली, ठीक है, बाकी बाद में काम आएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी जो ब्लीच है उसे भी करके बताऊँ तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर वो ब्लीच अप्लाई करके आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ब्लीच करने का जो टिप्स है आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ब्लीच करने से पहले आपको क्या करना है, अपने फेस को बिल्कुल क्लीन कर लेना है, आपको कोई भी मेकअप नहीं करना है। तो आपको बता दूँ मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ होम मेड शॉप से, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था एलोवेरा वाला, तो मैंने उसी से फेस वॉश किया है। एंड देखिए मेरे फेस पे अच्छा खासा ग्लो भी है, एंड
पर मेरे फेस पे अभी पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि मैंने फैन जो है वो ऑफ कर रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी इससे, ठीक है, इस पैड से जो पसीना है उसे पोंछ दूंगी, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, जब तक ये पानी सूख जा रहा है हम अपनी ब्लीच तैयार कर लेंगे। तो सब इसमें दो पाउच थे, एक क्रीम और एक्टिवेटर। पूरी पाउच मैं क्रीम का लेने वाली हूँ एंड एक्टिवेटर का भी ऐड करने वाली हूँ। तो इसे हम करते हैं कट। तो मैं यहाँ पे कैची भी लेकर आई हूँ, तो इसे ओपन करते हैं, यहाँ से कट करते हैं। कट गया। एंड इसके साथ आपको कोई प्लेट या फिर वो जो स्पैचुला है वो नहीं मिलता है। 20 रुपीज़ में क्या क्या देंगे भाई। और ये जो ब्लीच है, जैसा कि इसमें हल्दी मेंशन की गई है, इसमें हल्दी है, एलोवेरा है, तो इसका कलर भी येलो ही है। तो मैं पूरी क्रीम निकाल लेती हूँ यहाँ पर। मैं 12 पैक ही लेती हूँ क्योंकि 12 पैक में आपको नई डेट मिल जाती है, और ब्लीच लाके आप घर में रखेंगे तो कभी कभी वो एक्सपायरी हो जाती है रखे रखे। तो मेरे हिसाब से आपको 12 पैक ही यूज करना चाहिए। तो ये पूरी क्रीम मैंने निकाली, आप देख लीजिए, मेरे फेस के अकॉर्डिंग ही क्रीम है, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड इसका जो है एक्टिवेटर, इसे भी ओपन करते हैं। कभी कभी हम जब 12 पैक नहीं लेते, बड़ा वाला पैक होता है, तो कभी समझ में नहीं आता कि हमें ब्लीच कितनी ऐड करनी है। दोस्त के लिए भी 12 पैक ही बेस्ट है। तो ये हो गया है ओपन, एंड ये भी येलो कलर का लग रहा है, ठीक है। इसमें हम कर देंगे ऐड, ये देखिए अच्छी खासी ब्लीच है इसमें। और हम लोग घर में क्या करते हैं, एक दो चुटकी डाल देते हैं, ठीक है, डरते हैं उसे लगाने से। तो इतना है, आप देख लो, ठीक है, 1 ग्राम था। और इसे हम करेंगे आपस में मिक्स। हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है। जितने अच्छे से मिक्स होगा उतना ही अच्छा है आपके स्किन के लिए। एंड फर्स्ट टाइम आप करने वाले हैं तो आप पैच वर्क जरूर कर लें, अपने गले के पीछे में या हाथों में जरूर करें, ठीक है। एंड इसमें जब हम डालते हैं ना, तो कुछ दाने दाने होते हैं, तो वो आपस में मिक्स हो जाने चाहिए अच्छे से, ठीक है। और मिक्स करने के बाद ये हल्की जैसे क्रीम फूल जाती है ना, ठीक है, आप केक वगैरह बनाते होगे तो वैसे ही ये भी फूल जाती है। तो इसे अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ। लगभग 30 सेकंड से हमने इसे मिक्स किया एंड ये क्रीम जो है वो मिल गई है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बालों को पीछे अच्छे से बांध लें, बाल बिल्कुल भी खोल कर ना रखें, ठीक है। और इसे लगाते वक्त हमेशा आँखों से एक दूरी बना के रखें एंड अपने भौहों से भी दूरी बना के रखें, ठीक है। नहीं तो आपके यहाँ के बाल भी गोल ब्लीच हो जाएंगे, जो भी ब्लीच आप कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा गंदा लगेगा, ठीक है। और ब्लीच जब आप स्टार्ट करेंगे लगाना, तो आप अपर लिप्स पे लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ के बाल जो हैं वो थोड़े डार्क होते हैं, टाइट होते हैं, तो उसे ब्लीच होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम पहले यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। तो मैं ब्रश की मदद से इसे लगा रही हूँ। दाने होंगे तो आपको लग भी सकती है, मेरे यहाँ पे एक दाना था, ठीक है। और अच्छे से फेस पे से अप्लाई करेंगे। एंड आपको बता दूं, मैं शीशे में देख के नहीं लगा रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है ये, वो भी ब्लीच लगाना। ब्लीच जब लगाएंगे तो हो सकती है आंखों में आके थोड़ी लगे, ठीक है, इसीलिए तो आंखों के पास बिल्कुल मत लगाएगा, बच के लगाएगा। अभी मैंने आंखों के पास लगाया ना नाक पर, जिसके वजह से आंखों में लग रही है। ऐसा करती हूँ मैं, कैमरे में नहीं शीशे में देख के लगा लेती हूँ, तो आसानी से लग जाएगी, वरना आंखों में लग गया ना तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। 1 मिनट,
ब्लीच को 10 मिनट के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे और 10 मिनट बाद ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं तो मैं पहले यहाँ पे रिमूव करके देखूँगी। ओके, मुझे लग रहा है कि ब्लीच हो गया है, तो अब क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, हमें मैं इस पैच के स्पंज से ही इसे रिमूव करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ लगाया था, आंखों को बचाकर, बहुत बचाकर पानी नहीं जाना चाहिए आंख में। मुझे एक बार ठंडे पानी से धुलना है तो मैंने इसे साफ कर दिया आपके सामने। एक बार मैं ठंडे पानी से अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। मैंने अच्छे से फेस वॉश कर दिया एंड आपको इस वक्त मेरे फेस पे दाने दिखने लगे होंगे। एक्चुअली मेरे दाने थे फेस पे, बट एक लेयर होती है फेस की जिसके अंदर ये दाने छुपे हुए थे। ठीक है, तो क्या करता है, जो ऊपर की टैनिंग है ब्लीच, इसलिए करते हैं ताकि वो जो टैनिंग है वो निकल जाए। तो अक्सर आप ब्लीच वगैरह करेंगे तो आपके कहते हैं ना दाग धब्बे ज़्यादा दिखने लगते हैं, पर कोई बात नहीं है, तुरंत का इफेक्ट होता है, धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो पहले से जो मेरी स्किन है वो काफ़ी फेयर नज़र आने लगी। तो दोस्तों ब्लीच करने का यही तरीका है कि आप 10 मिनट से ज़्यादा फेस पे ना लगाएं। ये नहीं कि आप ब्लीच लगाकर भूल जाएं, ये बिल्कुल भी मत करा करिए, क्योंकि ब्लीच जो होती है वो केमिकल वाली होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि नेचुरल ब्लीच पर केमिकल उसमें होता है, तो केमिकल को ज़्यादा देर तक अपने फेस पर आपको नहीं लगाना है। अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो उसे तुरंत निकाल दीजिए। दाने वगैरह हो गए हैं आपके फेस पर तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें, उस पर ढिलाई बिल्कुल ना दें। ठीक है, तो मैंने ये ब्लीच अप्लाई कर लिया है एंड मुझे पता चल गया है मेरे फेस पे कितने दाग धब्बे हैं जो टैनिंग के नीचे दबे हुए थे, तो मुझे इन्हें भी क्लीन करना है। एंड मैंने अच्छे से अपने फेस पे ब्लीच कर लिया है एंड काफ़ी फेयर नज़र आ रही है मेरी स्किन, ग्लो भी नज़र आ रहा है, बट दाग धब्बे ज़्यादा ही उभर कर आ गए हैं। ब्लीच करने के बाद आपके दाग धब्बे थोड़े ज़्यादा दिखने लगते हैं, इसकी कोई टेंशन मत लिया करिए, क्योंकि इससे आप ठीक हो जाता है एंड आपका जो कलर है वो फेयर नज़र आने लगता है, क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं, फेशियल हेयर होते हैं, वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फेस बहुत ज़्यादा क्लीन और गोरा गोरा सा नज़र आने लगता है। तो आप भी ब्लीच कर सकते हो घर पर इसी तरीके से, बट ब्लीच करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि 10 मिनट से ज़्यादा अपने फेस पर ब्लीच अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको जलन हो रही है, उलझन हो रही है, तो आप 5 से 7 मिनट के अंदर ही ब्लीच को निकाल दें। अगर आपके फेस पर ब्लीच करने के बाद आपके फेस पर एकदम रेडिश हो जा रही है या जली हुई सी महसूस हो रही है, तो सबसे पहले अपने फेस पर गुलाब जल को अप्लाई करें, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुरंत से डॉक्टर को दिखाएं, हो सकता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव। अगर बहुत ज्यादा आपके फेस पे पिंपल्स हैं तो आपको ब्लीच को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। एंड थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपकी एज बहुत कम है तो आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, नई नई लड़कियां भी ब्लीच अप्लाई करती, वो नहीं करना है। आप 18 से 23 साल के बीच है तो एक बार ब्लीच करिए, 23 से 30 साल के बीच में तो आपको साल में 2 बार ब्लीच करिए, एंड अगर आप उससे भी बड़े एज के हैं तो साल में 2-3 बार आप ब्लीच कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीच अपने फेस पे बिल्कुल मत करिए। एंड ब्लीच करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, बट साबुन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। ब्लीच करने के बाद अगर साबुन अप्लाई करते हो तो उससे रिएक्शन हो सकता है, साथ ही आपकी स्किन जो है बहुत ही खिंची खिंची सी भी नज़र आती है। ब्लीच करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी, कहाँ गया, मिल गया, एलोवेरा जेल। तो मैं एलोवेरा जेल कभी फेशियल करती हूँ या फेस पैक करती हूँ तो मैं वही करती हूँ। एलोवेरा जेल फेस को ठंडक देगा, तो मैं ऐसे ही अप्लाई कर लेती हूँ फेस पर। ठीक है, अभी तुरंत ब्लीच किया है तो दाने जो है वो थोड़ा ज़्यादा दिखते हैं, पर थोड़ी देर बाद ये दाने कम भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्लीच करेंगे तो तुरंत आपके फेस में कोई ना कोई इफेक्ट होगा एंड आपके फेस को एक जलन सी महसूस होगी, जैसे मेरे फेस को हो रही है ब्लीच करने के बाद, ये होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं होती, बस आप सही से ब्लीच करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर तक ना करें कि आप आधे घंटे तक लगाए हुए हैं, जिससे आपकी स्किन जल जाएगी।
एक्टिवेटर आपको जितनी मात्रा आपसे कही गई है आप उतनी ही यूज करें, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और ज़रूरत हो तो ब्लीच करें, ये नहीं आप जैसे ये हर्बल ब्लीच थी तो हम कर सकते हैं, ऐसे भी घर में पर गोल्ड है, डायमंड है, ये सब हमें करना चाहिए जब हम पार्टी वगैरह जाना है तब आप करें, ठीक है। तो मैंने एलोवेरा जेल अच्छे से मसाज करके अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। तो दोस्तों ये था ब्लीच करने का सही तरीका, आई होप ये जो तरीका है आपके लिए हेल्पफुल हो। और कोई भी सवाल है जो इस वीडियो में मैं कवर करना भूल गई हूँ ब्लीच को लेकर, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। एंड कौवा जी क्या कहने हैं पता नहीं, तो मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। एंड वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। और कौवा जी बोलना है कि चैनल को तुरंत रेड कलर का जो बटन है क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। एंड फिलहाल इस वीडियो में मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।